शांति। आज की तारीख है 21/10/15 और आज नवरात्रि का नौवां दिन है और कल होगा दशहरा। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं और इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है आज का, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य कौन सी बात भूल गए हैं? भूल भुलैया के खेल में यदि भूल हो गई तो फिर रास्ता ढूंढते ही रहेंगे, फिर कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चे भी इस भूल भुलैया के खेल में कुछ तो भूल गए जो रास्ता भटक गए। तो आइए बाबा हमें रास्ता क्या बताते हैं। उत्तर है, हमारा घर कहाँ है ये हम भूल गए, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। ऐसे रास्ता भूले जो अब कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने, तो हम बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए। बाप को पुकारा तो अभी बाप आए हैं हम सबको साथ में ले जाने। तुम्हारा भी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। तो बाप ने हमें एक ही श्रीमत दी कि अब तुम्हें साइलेंस में रहते हुए स्वीट होम में चलना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। क्यों मंजिल दूर नहीं? क्योंकि बाप हमारे साथ है और हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक ज्ञान बिंदु, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। नंबर दो है, इस अंतिम जन्म में कौन सी धारणा करनी है? क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, सावधान भी रहना है। वरदान है आज का, दिल के स्नेह और सहयोग द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा को बच्चों का स्नेही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वो सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का बड़ा सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भले कोई कितना भी दे लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। दिल के सच्चे स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हो तो पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है आज का,
समय और शक्ति, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो पीछे कर्म करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।